और जतिन, तुम्हारे बेटे राज की स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष, जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यहीं करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशन हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। तड़पते तड़पते गौवंश ने त्याग दिए प्राण, नहीं पहुंचा कोई पशु चिकित्सक। गाय की मृत्यु पर भड़के गौ सेवा करने वाले गौ सेवक। मौके पर पहुंचे गौ सेवकों ने आरोप लगाते हुए कहा, नगर निगम की लापरवाही से हुई है गाय की मृत्यु, प्रशासन लापरवाही में करे सुधार। पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है, आई थी सूचना, मौके पर भेजा था डॉक्टर। लोगों का कहना है कि जहरीले पदार्थ के सेवन से गाय की हुई है मृत्यु। फिरोजाबाद में आज सुबह रसूलपुर गली नंबर 1 में गाय ने भूख के कारण जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। मौके की जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवक महासंघ के महानगर अध्यक्ष डीनू सिंह ने बताया, पशु विभाग से संबंधित अधिकारियों को फोन पर जानकारी दी थी, लेकिन 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इलाज की राह देखकर गाय ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। महानगर अध्यक्ष डीनू सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन अपनी लापरवाही में सुधार करे, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ नगर निगम में धरना देने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर गौमाता सेवा महासंघ के सहयोगी रोहित यादव, संजय राज प्रजापति, कुंदन प्रजापति, विनय कुमार अन्य उपस्थित रहे। महानगर अध्यक्ष हूँ और आज रसूलपुर में गली नंबर 1 में ये गाय पीड़ित है, ये गाय परेशान है और इसकी तड़प तड़प कर इस तरीके से मृत्यु हुई है। नगर निगम को करीबन 2 घंटे पहले फोन किया था, यहाँ के जो गौ भक्त हैं उन्होंने 2 घंटे पहले फोन किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 घंटे तक ये गाय तड़पती रही है, बिलखती रही है। ये इस तरीके से प्रशासन की लापरवाही रहेगी तो आगे अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा संघ नगर निगम में धरना देने के लिए बाध्य रहेगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, नगर निगम अपनी देखरेख सही तरीके से करे, पूर्णता करे। क्योंकि 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जा। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954000174 पर। देखा? मैंने कहा था।